जी, इस वक्त साइफर केस की समाअत ख़त्म हो चुकी है। इमरान खान की बहनें और इमरान खान के जो वकील हैं वो इस वक्त बाहर निकल चुके हैं। सलमान सफदर साहब जो हैं वो इस वक्त आ रहे हैं, उनसे हम पूछेंगे कि क्या कुछ आज की समाअत में हुआ। जी सलमान सफदर साहब बताइएगा, आज अलीमापा के साथ ही आ जाते हैं। हाँ हाँ जी जी, सलमान सफदर साहब, अब इमरान खान की जो बहनें हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैं उन्हीं के साथ ही टॉक करूँगा। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं, पूछते हैं क्या अंदर आज क्या कुछ हुआ है। जी सलमान सफदर साहब बताइएगा, अदनान थोड़ा सा देखिए, हमारे बहुत मुकम्मल दलाइल हम दे चुके हैं और बेंच बहुत सारे पॉइंट्स पर ऑलरेडी क्लियर है। हमें इस बात पर कुछ क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा कि साइफर केस बहुत स्लो चला है। मैं साइफर केस स्लो क्यों चला है, मैं उस पर दो तीन बातें ज़रूर करना चाहूँगा। पहली बात यह है कि जब जज साहिबान स्लो असिस्टेंस और एक केस को समझना चाहें कि केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन है और उस पर पहली दफ़ा हाई कोर्ट फैसला लिखने जा रही है, इसका ये भी बेस्ट इंडिकेटर है कि इस तरह के एक्शंस पर आज दिन तक पाकिस्तान या हिंदुस्तान में कभी किसी प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर की प्रोसिक्यूशन कभी हुई नहीं है। तो ये केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन, इसे कहते हैं हाथ सीधा करना आसान जुबान में, कि ये पहली दफ़ा हाथ सीधा किया जा रहा है। इन अदर वर्ड्स, ये क्रिमिनलिटी है भी या नहीं ये देखना है। और अभी तक का जितना एविडेंस आपके सामने आया है, आज जज साहिबान ने दो दफ़ा कह दिया कि इसमें क्रिमिनलिटी कहाँ पर है। आज जज साहिबान ने दो दफ़ा इकट्ठे कह दिया कि अगर आप एक फौजदारी के मुकदमे में, क्या ये बात दुरुस्त है कि साइफर के मुकम्मल केस में जितनी भी शहादत रिकॉर्ड हुई, साइफर के अंदर क्या लिखा हुआ था वो कोई भी गवाह अदालत में उसने ये बात नहीं बताई। उनका जवाब था ये बात दुरुस्त है। क्या ये भी दुरुस्त है कि साइफर का डॉक्यूमेंट कभी मंजर आम पर नहीं आया, उन्होंने कहा ये भी दुरुस्त है। तो आज जो सरकार अपना सारा केस साबित करना चाह रही थी, बड़े मज़े की बात है जो आपको बताने वाला हूँ, आज सरकार अपना सारा केस एक ऐसी किताब से बताना चाह रही थी जो किताब हमने मांगी तो उन्होंने कहा सीक्रेट है आपको नहीं मिलेगी, जज साहब ने मांगी तो उन्होंने कहा ये सीक्रेट है आपको नहीं मिलेगी, आईओ ने मांगी तो उन्होंने कहा सीक्रेट है आपको नहीं मिलेगी। और तो और सबसे हैरान कन बात थी, आप सब लोग वहाँ मौजूद थे जब सुप्रीम कोर्ट में हम इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानत आर्ग्यू कर रहे थे, तो ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा वो किताब तो दिखाएं जिससे सारे रूल्स गवर्न होते हैं। तो सरकार के तीनों वकला ने जो पेश हुए, उन्होंने कहा सॉरी ये किताब हम आपको नहीं दे सकते, जिस पर जज साहिबान बहुत हैरान भी हुए, नाला भी हुए कि हमने ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं सुना कि हम कोई कानून मांगें, कोई इंस्ट्रक्शंस मांगे, कोई गवर्निंग लॉ मांगे और हमें ये कहा जाए कि आप ये नहीं देख सकते। सो जिस कानून को कोई देख नहीं सकता, उस कानून में जज साहिबान ने आज एक आहिस्ता आहिस्ता करते करते एक सवाल पूछा कि क्या ये बात दुरुस्त है कि आप इस केस में सजाए मौत मांगते रहे, और क्या ये बात दुरुस्त है कि जज साहब ने सजाए मौत तो नहीं, आपकी झोली में ठीक ठाक सज़ा जो है वो दे दी हुई है, 10-10 साल और 2-2 साल दे दी है। उन्होंने कहा ये बात दुरुस्त है, तो उन्होंने कहा ये आपने सज़ाएं ली हैं साइफर या उसके कंटेंट्स या किताब जिससे ये मुस्तफीद हो सकते थे उसको दिए या सामने लाए बगैर। तो ये आज दो दफ़ा ये सुनने में आई बात कि जो भी शक होगा ना किसी भी पॉइंट का, उसका फ़ायदा मुलजिमों को मिलता है और उन्हीं को मिलेगा। अभी सरकार ने अपने दलाइल जारी रखे हुए और लंबा कर लें, मैं पहले भी कहता हूँ सरकार ने ये मैच जीता था हमें बाहर फेंक कर, हमने कभी भी उनको बाहर फेंकने की बात नहीं की, हमने कहा आप उनको दिल खोल के सुन लें, हमें कोई जल्दी नहीं है। हमें जल्दी थी, हम चाहते थे ईद से पहले कोई अच्छी बात मिल जाए, नहीं मिली तो फिर अच्छा फैसला ही लिखा जाए आने वाले टाइम के लिए, लोगों के लिए, वकला के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, रहनुमाइयों के, साइफर क्या बुलाए। और
आज जितना आराम आराम से सरकार अपने केस को पढ़ रही है, जितना ज़्यादा कानून को पढ़ रही है, उतनी गहरी जो है वो खड्डा उनके लिए खुदता जा रहा है जिसमें वो गिरते जा रहे हैं। कल का दिन अहम है, कल के दिन ये अपने आर्ग्यूमेंट्स को कंक्लूड करेंगे, वाइंड अप करेंगे। मगर साइफर का केस इम्पॉर्टेंट इसलिए था कि हमारी पहले दिन से एक हिकमत अमली होती है, और वो हिकमत अमली ये थी कि हमें किसी भी सूरत चौथी दफ़ा एक केस को दोबारा रिमांड नहीं करवाना। मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा बोल दिया था, आमद हुई थी, आज फिर बोल देता हूँ, चार मौके सीएसएस की अटेम्प्ट में भी नहीं मिलते, चार मौके मियां बीवी को भी नहीं मिलते, तो जज अबू उस्नाद ज़ुल्करनैन साहब को कैसे चार मौके मिल जाएं कि एक ही केस पे वो चौथी दफ़ा अपना हाथ सीधा करें। और चौथी दफ़ा जो केस में कमियां रह गई हमसे सुन के उन कमियों को पूरा कर लें, फ्लॉज को, डिफेक्ट्स को, शॉर्टकमिंग्स को, लकूनास को, उनको फिलअप कर लें वो। सो जज साहिबान का ये बड़ा दुरुस्त फैसला है कि वो इस केस को मेरिट्स पर डिसाइड करने वाले हैं, और ये अब फैसला इसी हफ्ते आपको इंशाल्लाह सुनने में मिलेगा। और साइफर का केस मेरिट्स पर, अभी तक और जितने भी केसेस हैं मेरिट्स पर ये खान साहब का पहला केस है, तो देख लेते हैं कि इमरान खान साहब ने कौन सा जुर्म किया है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कौन सा जुर्म किया है, बड़ा जुर्म किया है या छोटा किया है। उन्होंने तो सब लगाया है कि कहीं ना कोई दवाई तो लड़े ना, वो जो मैंने कहा था हकीम साहब चार दवाइयां हर किसी को दे देते थे, कामयाब प्रैक्टिस थी। तो किसी ने पूछा कि आपकी कामयाब प्रैक्टिस कैसे है, उन्होंने कहा चार गोलियां देता हूं कोई तो लड़ेगी। तो खान साहब को इतनी सज़ाएं उन्होंने सुना दी कि कोई सज़ा तो लड़ेगी, ऐसे नहीं होता। यू हैव टू बी वेरी कैटेगोरिक, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, ये किसी की लाइफ लिबर्टी की बात है। ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जब एक वज़ीर आज़म बिहाइंड द बार्स हो, जब एक सीजनड फॉरेन मिनिस्टर बिहाइंड द बार्स हो, तो उनकी एक टॉप प्रायोरिटी बनती है। इमरान खान साहब को बिल्कुल स्पेशल नहीं ट्रीट किया जा रहा, अगर मैं ये डिमांड करूँ ना, बिल्कुल स्पेशल नहीं है। स्पेशल ये होता है कि मैं कहूँ आज ही फैसला सुना जाएगा। मुझे इमरान खान साहब की और सब लोगों को इमरान खान साहब के केस में आते हुए पौने दो माह हो गए साइफर आर्ग्यू करते हुए। रमज़ान से पहले, ईद गुजरे दो हफ्ते हो गए, ये रमज़ान से पहले आर्ग्यू करना शुरू किया। सो अब बहुत मुनासिब होगा इंशाल्लाह, मेरी जज साहब से यही तवक्को होगी कि साइफर का केस एक आध दिन में सरकार अपने दलाइल मुकम्मल करके, तो हमें जो हक है, अगर एविडेंस को स्मैश हुए हुए 15 दिन हो गए हैं और खान साहब और शाह साहब अब अगर अभी भी बिहाइंड द बार्स हैं, तो ये ज़्यादती है। हमने ज़मानत किसी दिन नहीं मांगी, ना ज़मानत मांगेंगे हम। एक स्टिग्मा होता है कन्विक्शन का, तो स्टिग्मा अगर कन्विक्शन का मिला है तो हम चाहते हैं दैट शुड बी रिंस्ड, दैट शुड बी वॉश्ड, एंड ये इनको दोनों को इन चार्जेस से। एक बात मैं और कहता चलूँ, आज एक शख्स को जब बरी किया जाता है तो दो बातों पर बरी किया जाता है। एक जुमला बोला जाता है कि शक का फ़ायदा, हमें शक का फ़ायदा नहीं चाहिए, शक के फ़ायदे वाला केस ही नहीं है। ये केस है जहाँ पर प्रोसिक्यूशन हैज़ टोटली इंटायरली फेल्ड पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है। अंग्रेज़ी में बताता हूँ, बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं चाहिए, ये बेनिफिट ऑफ डाउट का केस नहीं है। आज एक दो दफ़ा मेरे सुनने में आई बात, अगर ये होगा तो शक का फ़ायदा किसको मिलेगा, शक वाली तो बात भी नहीं है, हम तो बहुत दूर हैं शक से, बस यही कहूंगा आज के दिन के लिए। जो किताब सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं कहेगी, वो पुरसरार किताब आज पेश करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, आप क्या समझते हैं? जी, आज जब वो किताब फाइनली, और जज साहिबान बहुत, आपने देखा वो परेशान थे उस किताब को लेकर कि हम इसको घर ले जा सकते हैं, हमें इजाज़त है, और अगर ये हमसे गुम हो गई तो क्या ये पर्चा हमारे ऊपर होगा। तो वो सरकार ने कहा कि जी ये किताब आज सलमान साहब को दे दें। मैंने कहा जी जो किताब मुझे इतने दिन नहीं मिली वो मैंने अब लेकर क्या करनी है, इम्तिहान हो गए, जो देखना था वो सब हो गया, तो अब मैं इसे मुस्तफीद नहीं होना चाहता, ये अपनी किताब अपने पास रखें। कोई ऐसा कानून नहीं होता जो किसी को दिखाया ना जा सके, किसी को बताया ना जा सके और सजाए मौत मांगी जाए। आज जज साहबान कह रहे थे सजाए मौत मांग रहे थे बताए बगैर, बस इतना ही काफ़ी आज।